कोरोना की महामारी से देशवासियों को महफूज रखने के लिए सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती द्वारा राष्ट्र सेवा के दायित्व को निभाने का काम भी लगातार किया जा रहा है। संगठन देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, जरूरी दवाइयां और राशन किट भिजवाने का काम भी लगातार कर रहा है। कोरोना काल में देश सेवा को समर्पित सेवा इंटरनेशनल संगठन और राष्ट्रीय सेवा भारती ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर काम कर रहा है। इसी क्रम में संगठन ने देश के 19 राज्यों के 26 शहरों में 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी उपकरण और दवाइयां वितरित करने का अभियान चलाया है। अभियान को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार, श्याम परांडे व पन्नालाल भंसाली सहित अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। देश कोरोना की लड़ाई समय लड़ रहा है, उसमें दुनिया भर से सहयोग लेकर, देश भर से सहयोग लेकर सेवा इंटरनेशनल ने और सेवा भारती ने देश के सभी राज्यों में अपने साथ जुड़ी हुई हजारों संस्थाओं के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सेवा धर्म ही संघ का परम ध्येय रहा है। सेवा इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सेवा भारती, इनके द्वारा ये एक अच्छी जागरूक करने वाली, सेवा करने वाली और सहायता करने वाली मूवमेंट है। इसको जितना बधाई दी जाए और ताकत दी जाए उतना ही अच्छा होगा। सेवा इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक श्याम परांडे ने कहा कि संगठन के ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित अन्य देशों में रहने वाले वॉलंटियर्स ने ये मेडिकल उपकरण भिजवाए हैं। यूएसए से हो रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूएसए कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल कनाडा कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूके कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल यूरोप कर रहा है, सेवा इंटरनेशनल जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेवा इंटरनेशनल कर रहा है। तो ऐसे 25 से अधिक देशों से भारतवंशी लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष पन्नालाल भंसाली ने कहा कि कोविड के इस दौर में धर्म और मजहब से ऊपर उठकर संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, ये सब समाज के अंदर में जिसको चाहिए, बिना कोई भेदभाव के, इसमें मुसलमान भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें बुद्धिस्ट भी है, अन्य जातियाँ भी है। तो पूरे देश के अंदर में हमारी हजारों संस्थाएं हैं जो इस काम में संलग्नित है। कोरोना काल में संगठन के 500 से भी अधिक वॉलंटियर्स देश के 5000 से भी अधिक जरूरतमंद लोगों तक तकरीबन 1500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1000 ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर व अन्य जरूरी दवाइयां देश के विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में पहुंचाने के साथ 15000 राशन किट भेजकर राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का संदेश दे रहे हैं। सेवा इंटरनेशनल संगठन द्वारा कोरोना काल में देशवासियों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। संगठन द्वारा 1200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जरूरी दवाइयां और खाद्य सामग्री का देश के 18 राज्यों के 26 शहरों में वितरण किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि संगठन की इस पहल से एक और जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी के चलते जान गंवाने वाले मरीजों को बचाने में जहाँ मदद मिलेगी, वहीं अन्य लोगों को समाज और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी मिलेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित के साथ मैं ओपी यादव, DD News दिल्ली।